देश में पहली बार किसी कोरोना संक्रमित मरीज की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस पोस्टमार्टम का मुख्य उद्देश्य कोरोना मरीज पर रिसर्च करना था, जिससे पता चल सके कि यह शरीर में कितने लंबे समय तक रहता है और किन किन अंगों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। कोरोना संक्रमित के शव के पोस्टमार्टम के लिए अनुमति लेना इतना आसान नहीं था। इसके लिए भोपाल एम्स को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मंजूरी लेना पड़ी, जिसके बाद कोरोना संक्रमित शख्स का रिसर्च के उद्देश्य से पोस्टमार्टम हो सका। भोपाल एम्स ने पहले भी ICMR से कोरोना पर रिसर्च के लिए संक्रमित व्यक्ति के शव के पोस्टमार्टम की मंजूरी मांगी थी, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी गई। हालांकि जब भोपाल एम्स ने संक्रमण रोकने के उपाय के साथ ही पोस्टमार्टम की एडवांस तकनीक की जानकारी ICMR को भेजी तो इसकी मंजूरी मिल गई। एम्स भोपाल ने देश में पहली बार ये रिसर्च करने की ठानी है कि जिसमें कि हम लोग कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनका पोस्टमार्टम करेंगे, और पोस्टमार्टम करके उनकी जो 3-4 डिपार्टमेंट हमारे जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, बाकी माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट, फोरेंसिक मेडिसिन इसमें लीड कर रही है, और ये सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट और पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट सारे मिल के एक रिसर्च कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव जितने पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं, तो उनकी हिस्टोपैथोलॉजी होगी, बायोकेमिकल टेस्ट होंगे, और बाकी ऑर्गन से हम लोग जो वायरस को टेस्ट भी करेंगे, तो उसमें देखेंगे किस किस ऑर्गन में वायरस मिलता है और क्या क्या चेंजेस पैथोलॉजिकल चेंज करता है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स ने शुरू की है, और हमें उम्मीद है कि इससे कुछ नए रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। अभी तक भारत में इस तरह की स्टडी नहीं हुई है, तो पहला हमने एथिक्स क्लियरेंस कल उनको मिल गई है, और कल से पहला पेशेंट, कल उसकी ऑटोप्सी हो चुकी है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम ने PPE किट समेत सुरक्षा से जुड़ी सभी गाइडलाइन का पालन किया। एम्स भोपाल का दावा है कि रिसर्च के लिए कोरोना संक्रमित के शव के पोस्टमार्टम का ये पहला मामला है। हालांकि अभी कुछ और शवों पर रिसर्च की जाएगी, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम से शरीर के अंगों पर कोरोना वायरस के पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी इससे हमें मिल सकेगी। संक्रमित होने के बाद दिल, फेफड़े, दिमाग या दूसरे अंगों पर वायरस किस तरह से और कितना असर करता है, इसकी जानकारी भी अब प्राप्त हो जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज ISECT यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।